हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू दिस न्यू चैनल। इस चैनल के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा तीन चीजें। पहली है यूनिवर्स, दूसरी है यूनिवर्स और तीसरी भी है यूनिवर्स। तो अगर आप यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे आते हैं बहुत सारे वीडियोज जो यूनिवर्स के बारे में होते हैं। मेरी ये वीडियो जो है वो स्टार्स की लाइफ के बारे में है। कुछ स्टार्स यूनिवर्स के अंदर बहुत ही बड़े पाए जाते हैं, कुछ बहुत ही छोटे होते हैं। कुछ जो है उनका रंग रेड होता है, कुछ का ब्लू होता है और कुछ का जो है येलो होता है। और कुछ स्टार्स के पास बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होती है और कुछ के पास बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे वेरिएशन वाले स्टार्स के बीच हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे स्टार्स की जो सभी स्टार में पाई जाती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं स्टार्स के बारे में तो मेरी ये वीडियो जरूर देखिएगा। किसी भी स्टार के सेंटर में चल रही होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस, जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी एमिट हो रही होती है और उस सेंटर को बोलते हैं किसी भी स्टार का या फिर हमारे सूर्य का कोर, जहाँ पे एनर्जी एमिट हो रही होती है। और जैसे कि सब चीजों की लेयर्स होती है, हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर है, वैसे सन और किसी भी स्टार्स के अंदर भी लेयर पाई जाती है। तो जो स्टार्स की लेयर्स है इसके बारे में अब आपको मैं बताऊंगा। सबसे सेंटर में जो होता है उसे कोर कहते हैं, वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस चल रही होती है। उसके बाहर होता है रेडिएशन जोन और उसके भी बाहर होता है कन्वेक्शन जोन। उसके ऊपर जो है स्टार्स के एटमॉस्फेयर भी होता है, उस एटमॉस्फेयर को फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना भी कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी लेयर से बना होता है कोई भी एक स्टार। सूर्य का जो एटमॉस्फेयर है उसे हम ऐसे तो नहीं देख सकते, क्योंकि हम आंखों से भी सूर्य को नहीं देख सकते। लेकिन जब एक्लिप्स होता है, मतलब कि सूर्य ग्रहण, तो उसकी वजह से कोई भी मून या कोई भी प्लेनेट जब सन और अर्थ के बीच में आता है, इसकी वजह से हम सन को तो नहीं देख पाते, लेकिन कई बार और हर इक्लिप्स में जहां पे भी सबसे ज्यादा इक्लिप्स होता है वहां पे हम उस कोरोना को देख सकते हैं, अगर हमारे पास सफिशियंट टेलीस्कोप्स हो तो। तो इनके कुछ फोटोज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो कोरोनास की बड़ी बहुत ही अच्छी इमेजेस है। तो हम अब बात करते हैं रेडिएशन जोन के बारे में, मतलब कि सन की सेकेंड लेयर रेडिएशन जोन। तो ये रेडिएशन जोन क्या है? तो रेडिएशन जोन जो है वो कोर के ऊपर की सतह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज के अंदर कि कोर के अंदर से निकलने वाली एनर्जी के बाद स्टार्टिंग में ही ये लेयर आती है। तो इस लेयर में क्या होता है, तो जब कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस की वजह से जो एनर्जी एमिट हो रही है और जो फोटोन बाहर आ रहे हैं, तो फोटोन जब इस रेडिएशन जोन के अंदर आते हैं तो उस रेडिएशन जोन को पार करने के लिए उसे कई ज्यादा साल लगते हैं, करीबन लाखों साल उसे लग जाते हैं उस रेडिएशन जोन को पार करने में। तो हम अब जानेंगे कि उसको पार करने में इतना टाइम क्यों लगता है। तो जब कोर के अंदर से फोटोन बाहर आता है तो उसके रेडिएशन जोन के अंदर होते हैं बहुत सारे एटम्स। तो जब फोटोन बाहर आता है और उस रेडिएशन जोन की डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, तो फोटोन बाहर आने के साथ ही वो एटम के साथ उसके टक्कर होती है और इसकी वजह से जो भी एटम है उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है और थोड़े ही समय में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर उसको वापस से एमिट भी करता है। और एमिट होने के बाद कोई दूसरा एटम उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको वापस से थोड़ी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर एमिट करता है। तो यही एब्जॉर्प्शन और एमिट की प्रोसेस चलती रहती है और इसी वजह से, और ये जो प्रोसेस है वो रैंडम होती है, इसी वजह से एटम को उस रेडिएशन जोन को पार करने में लाखों सालों का समय लग जाता है। रेडिएशन जोन के अंदर किसी भी तरह की एनर्जी एमिट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जो फोटोन है उनका दूसरे एटम्स के जरिए एब्जॉर्प्शन होता है और इस एब्जॉर्प्शन के कारण उन फोटोन की वेवलेंथ जो है वो बढ़ने लगती है। इसलिए जो एटम्स के अंदर से उस न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस के अंदर से जो रेडिएशन निकल रहा होता है उसकी वेवलेंथ बढ़ने लगती है और वो उनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट के वेवलेंथ के अंदर आती है। इसी वजह से हमारे स्टार्स जो है हमें देखने मिलते हैं।
तो अब आता है कन्वेक्शन जोन। रेडिएशन जोन के ऊपर है स्टार का कन्वेक्शन जोन। इस जोन में क्या होता है, हम जानते हैं किसी भी स्टार के अंदर जो मैटर है वो प्लाज्मा की स्टेट में होता है, और जैसे सेंटर की तरफ जाएंगे वैसे हीट बढ़ने लगती है। और जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि रेडिएशन जोन की हीट ज्यादा होगी, इसकी वजह से कन्वेक्शन जोन के अंदर जो प्लाज्मा है वो रेडिएशन जोन के करीब होगा, वो ज्यादा हीटेड होगा, और ऊपर मतलब कि वहां पे ज्यादा टेम्परेचर होगा, और ऊपर का जो प्लाज्मा होगा वहां पे कम टेम्परेचर होगा। तो हम एक छोटी सी घटना जो हम पानी जब उबलता है तब भी देखते हैं कि नीचे जहाँ पे गर्मी होती है वो पानी पतला होता है, इसकी वजह से डेंसिटी कम होती है और वह ऊपर की तरफ उठता है, और ऊपर का ठंडा पानी जो है वो ज्यादा डेंस होने की वजह से नीचे की तरफ आता है। तो ऐसी ही कुछ प्रोसेस स्टार्स के कन्वेक्शन जोन के अंदर भी देखने मिलती है, जहाँ पे सतह के ऊपर रहा हुआ प्लाज्मा डेंस होने की वजह से और ठंडा होने की वजह से नीचे की तरफ आता है, और रेडिएशन जोन के पास के कन्वेक्शन जोन का जो प्लाज्मा है वो ज्यादा एनर्जेटिक और डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर की तरफ आता है। और इसी की वजह से हम जब स्टार्स की सतह को टेलीस्कोप्स के जरिए देखते हैं तो वो हमें खोलती हुई नजर आती है। इसके भी कुछ वीडियो है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं सूर्य की सबसे ऊपरी लेयर मतलब की क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर और कोरोना के बारे में। क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर जो है वो एटमोस्फियरिक लेयर है सन की। अब हम एक छोटा सा लॉजिक लगाएं कि जैसे कि कहीं पे आग जल रही हो तो आप उससे जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो कम होने लगेगा। तो सूर्य में भी यही होता है, जैसे जैसे हम कोर से दूर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। लेकिन यह फैक्ट न जाने क्यों कोरोना और क्रोमोस्फीयर पे सच साबित नहीं होता। जैसे ही हम कोरोना के अंदर दाखिल होते हैं वैसे सरफेस के ऊपर जो भी टेम्परेचर होता है उससे भी ज्यादा टेम्परेचर उस क्रोमोस्फीयर में मालूम पड़ता है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है, जैसे कि इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि सूर्य की सरफेस के ऊपर से बहुत सारे प्लाज्मा के जेट्स क्रोमोस्फीयर में दाखिल हो रहे हैं, इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट जो है वो इस लेयर के अंदर दाखिल हो रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो सूर्य की सपाटी से भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ पे बात की सूर्य के कुछ लेयर्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं स्टार्स के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। हम जानते हैं कि स्टार्स के पास बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जो बड़े स्टार्स होते हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी वीक होती है, लेकिन स्टार्स का साइज जैसे जैसे घटने लगता है वैसे वैसे उनकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पावरफुल होने लगती है। तो अब हम जानेंगे स्टार्स के पास मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए और उसके बेसिक में जाने के लिए हम थोड़े से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, और घबराइए मत क्योंकि फिजिक्स जो है मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो हम जानते ही है, किसी भी वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे होंगे तो हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी है। और दूसरा जो फैक्ट जो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि किसी भी वायर के अंदर से या किसी भी सतह के ऊपर से अगर इलेक्ट्रिक फ्लो बह रहा होगा तो उस इलेक्ट्रिक फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती है। मतलब कि आप कोई भी वायर ले लीजिए, उसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बह रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करती है। तो इन फैक्ट्स के जान के अब हम आते हैं स्टार्स के ऊपर। तो स्टार्स के अंदर जो मैटर है वो किस स्टेट में रहता है। तो अंदर जो मैटर है वो प्लाज्मा के स्टेट में रहता है। और प्लाज्मा क्या है, अगर हम प्लाज्मा के ऊपर नजर डालें तो प्लाज्मा जो है वो एक फ्लूइड है, लेकिन चार्ज पार्टिकल का फ्लूइड है, और इस फ्लूइड के पास जो नॉर्मल फ्लूइड होते हैं उनसे अलग प्रॉपर्टी होती है। तो अब देखते हैं कि स्टार्स जो है वो किससे बने हुए हैं। तो स्टार्स जो है वो प्लाज्मा मतलब कि मैटर की फोर्थ स्टेट से बने हुए हैं। प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा जो है वो एक फ्लूइड है चार्ज पार्टिकल का। तो हम समझ ही सकते हैं कि कन्वेक्शन जोन में या उनकी अंदरूनी लेयर्स में प्लाज्मा का एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पे बह ही रहा होगा, क्योंकि प्लाज्मा जो है वहां पे स्थिर या स्टेटिक तो नहीं होगा।
तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करती है तो वो करंट कहलाती है और करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। तो इसी वजह से जब प्लाज्मा जो कि चार्ज पार्टिकल का फ्लूइड है वो भी अगर बहेगा तो उसके पास भी इलेक्ट्रिसिटी होगी और इसी वजह से उसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो यही मेन वजह है कि स्टार्स जो है वो भी मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं क्योंकि प्लाज्मा के पास भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं और चौंकाने वाले फैक्ट्स हैं जो हमें देखने चाहिए। उनमें से एक फैक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जो सन है वो किसी सॉलिड बॉल की तरह एक्ट नहीं करता बल्कि सन जो है वो एक फ्लूइड बॉल की तरह एक्ट करता है। इसकी वजह से अगर हम सन की सरफेस को ध्यान से देखें तो सन के जो मिडल के अंदर प्लाज्मा है वो बहुत ही स्पीड में मोशन कर रहा होता है और जैसे जैसे हम पोल्स के पास जाते हैं उस तरह से जो रोटेशन की स्पीड है वो घटने लगती है। इसकी वजह से जो अंदरूनी मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा स्पीड से स्पिन करती है लेकिन ऊपर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उतनी ज्यादा रोटेशन पे स्पिन नहीं कर रही होती। इसी वजह से टाइम के ड्यूरेशन के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक दूसरे के अंदर उलझ जाती है और ऐसी ही हालत हो जाती है जैसे कि आपने रबर बैंड को बहुत ही ज्यादा खींच लिया हो। तो इसी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सन के ऊपर बहुत ही ज्यादा हैवी वैल्यू में हो जाती है। यहाँ पे आप फुटेज में उन मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं जो स्टार्स के ऊपर हमें देखने मिलती है। तो अब हम बात करेंगे स्टार्स की साइकिल के बारे में। मतलब कि क्या कि मैं जो रहते हैं स्टार्स जो है वो 11 ईयर की एक साइकिल के अंदर पूरी लाइफ स्पेन करते हैं। सबसे पहले वो बहुत ही ज्यादा बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं और फिर कम रिएक्टिव होते हैं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये कैसे होता है चलिए अब हम समझते हैं। तो जब सबसे पहले हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई होती है किसी भी स्टार्स के अंदर तो जब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है स्टार्स के अंदर और स्टार्स का जो सेंटर पॉइंट है वो सबसे ज्यादा बाहरी सतह का मिड पॉइंट सबसे ज्यादा स्पीड में स्पिन करता है इसकी वजह से धीरे धीरे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कसने लगती है और इसी वजह से स्टार्स जो है वो ज्यादा सक्रिय होने लगता है। और जब 11 ईयर का उसका एक साइकिल कंप्लीट होता है तो वो फिर से मैग्नेटिक फील्ड सिंप्लीफाई हो जाती है और उनके जो पोल्स है वो कन्वर्ट होने लगते हैं और इसी तरह से जो स्टार है वो ज्यादा रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव की उसकी पूरी साइकिल को है वो चलाते रहता है। और इसी हाईली रिएक्टिव और लो रिएक्टिव टाइम ड्यूरेशन की वजह से हमें जो है वो स्पेस वेदर भी देखने मिलता है और स्पेस वेदर की वजह से वो वेदर जो है वो हमारे अर्थ के ऊपर भी इफेक्ट कर सकता है। अगर सन ज्यादा एक्टिव हो और उसके पास से ज्यादा रेडिएशन हमारी तरफ आ जाए तो हमारे सैटेलाइट्स को और बहुत से फंक्शंस को वो बिगाड़ सकता है जिसकी वजह से हमें लाखों करोड़ों रुपीस का या डॉलर्स का नुकसान भी हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे सन की सरफेस पे पाए जाने वाले सबसे चौंका देने वाले और बहुत ही बड़े काले डॉट्स मतलब कि सन स्पॉट्स। आप मानेंगे लकी नहीं लेकिन सन स्पॉट्स जो होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि पूरी की पूरी अर्थ को ही वो अपने अंदर समा ले। तो अब बात करते हैं सन स्पॉट्स के बारे में। तो एक्चुअली सन स्पॉट्स क्या है तो जो सन स्पॉट है उनके आसपास या वहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है और सन स्पॉट्स जो है वो आसपास की सरफेस के मुकाबले वहां पे टेम्परेचर लो होने की वजह से वो काले धब्बे नजर आते हैं क्योंकि सन स्पॉट के अंदर से कम मात्रा में रोशनी निकलती है इसकी वजह से वो काले नजर आते हैं। मान लीजिए कि आप बहुत ही ज्यादा रोशनी वाली जगह पे खड़े हैं और अगर आप दीवासली से लेके एक जलाए तो उसका रोशनी में भी आपको दिखाई ही ना दे। तो ऐसी ही कुछ घटना दिखने मिलती है हमें उन सन स्पॉट्स के ऊपर। समझते हैं कि उन जगहों पे जहाँ पे सन स्पॉट है वहां पे टेम्परेचर जो है वो लो क्यों हो जाता है। ये तो मैंने आपको बताया कि सन स्पॉट जो है जहाँ पे होते हैं वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो जो है प्लाज्मा की लेयर्स के ऊपर भी इफेक्ट करती है। अगर हम लेयर्स के अंदर की बात करें तो अंदर होती है कॉन्वेक्शन जोन और कन्वेक्शन जोन के अंदर प्लाज्मा राउंड में घूम रहा होता है कॉन्वेक्शन की वजह से। तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है वहां पे जो
कन्वेक्शन है वो ठीक से हो नहीं पाता और प्लाज्मा जो है वो ऊपर की सतहों पे ही रह जाता है और नीचे न जाने की वजह से वो ज्यादा हीटेड नहीं हो पाता और वहां पे प्लाज्मा जो है एकत्रित होने लगता है और इसी वजह से वो प्लाज्मा थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और वहां आसपास के टेम्परेचर से वहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी वजह से कम टेम्परेचर और कम हीटेड प्लाज्मा जो कम लाइट का एमिशन करेगा, इसी वजह से वो प्लाज्मा जो है वो हमें डार्क नजर आने लगता है और इसे कहते हैं हम सन के ऊपर नजर आने वाले सन स्पॉट। और सन की उन लाइफ साइकिल्स के अंदर जब वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं तभी उनकी सरफेस के ऊपर सबसे ज्यादा सन स्पॉट देखने मिलते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की एक्टिविटी भी उन्हीं लाइफ एजेस के दौरान बढ़ जाती है। तो ये थी मेरी वीडियो स्टार्स के बारे में, जिसने स्टार्स की लाइफ के बारे में बताया। मेरी फर्स्ट वीडियो जो थी वो बर्थ ऑफ स्टार्स के बारे में थी, ये जो है मैंने लाइफ ऑफ स्टार्स के बारे में बताया। अब जो मेरी थर्ड वीडियो होगी वो डेथ ऑफ स्टार्स के बारे में होगी। तो अगर आपको मेरी ये दोनों वीडियोस अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं किसी साइंस के यूनिवर्स से रिलेटेड टॉपिक के बारे में तो आप कॉमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा। और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिससे कि मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहेगी।